जो कि एम्स में बनाया गया हेलीपैड, जस्ट बिल्डिंग के सामने ही है। मतलब ये बिल्डिंग और ये आपका हेलीपैड है, जहाँ पे हेलीपैड में अगर कुछ इमरजेंसी वार्ड होता तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी लाया जा सकता है मरीजों को। चूंकि नमस्कार दोस्तों, मैं नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश अपने दिल्ली का एम्स हमने आपको दिखाया, बहुत सारे जगह का हॉस्पिटल आपको दिखाए। आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक, एम्स हॉस्पिटल, जो कि ऋषिकेश में और इंडिया में टॉप 10 हॉस्पिटलों में से एक आता है एम्स में, जो कि ऋषिकेश में मौजूद है और बहुत ही पहले खुला है। जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बड़ा सा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, यही है एम्स हॉस्पिटल। कैसे जाएंगे, क्या क्या चीजें है, कहाँ पे ओपीडी होगा, कहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं, कहाँ पे आपको जो है दवाइयां लेना है और कौन कौन सी इलाजें होती है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। एम्स दिल्ली का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां का भी वीडियो देख लें। लेकिन आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं एम्स जो है ऋषिकेश का कैसा है और कैसा व्यवस्था है एम्स दिल्ली की तुलना से यहाँ पे किस तरीके। हालांकि ये बहुत ही बड़े संख्या में बहुत ही बड़े बिल्डिंग यहाँ पे बना हुआ है, आपको बता दें 960 से भी अधिक जो है बेड यहाँ पे हैं इस हॉस्पिटल में और बहुत ही बड़े संख्या में। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे ओपीडी होता है। जब आप आएंगे मेन प्रथम गेट से आप देख सकते हैं, वहां से इन करेंगे तो सामने के लोकेशन में आपको आना है और सामने के लोकेशन में ओपीडी ब्लॉक मिल जाएगा जहाँ पे ओपीडी होता है। और अभी हम आपको ले चलते हैं ओपीडी कहाँ पे होता है और क्या क्या चीजें। इसी के साथ साथ में यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया गया, आप देख सकते हैं ये जो है सामने के लोकेशन में ये हेलीपैड है अपना, जहाँ पे अगर इमरजेंसी केस में अगर कुछ होता है तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इस हॉस्पिटल में की गई है। हमें लगता है कि ऐसा व्यवस्था और हॉस्पिटल में एम्स का नहीं है जैसा यहाँ पे दिया गया है, कि हेलीपैड भी बनाया गया एक सेपरेट, जो कि ये लोकेशन है। हालांकि अभी क्लोज है चूंकि हेलीपैड जो है अभी नहीं चालू है, तो हेलीपैड भी बनाया गया और उसी के सामने ये बड़ा सा बिल्डिंग है जहाँ से प्रथम तल्ले से स्टार्ट होता है। तो अंदर ले चलते और आपको दिखाते हैं ओपीडी कहाँ पे करवाएंगे और कैसे आप इलाज करवाएंगे और इमरजेंसी वार्ड कहाँ पे है और किस तरीके से सारी चीजें आपको बताने वाले, पेशेंट के साथ साथ में स्टाफ के बारे में भी आपको बताने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल को। एंट्री पॉइंट, जब आप एंट्री लेंगे एम्स में ऋषिकेश का, तो सामने ही आपको मिल जाएगा टू व्हीलर गाड़ी पार्किंग का स्थान। इसके साथ साथ में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी टू व्हीलर का पूरा जो है आपको टू व्हीलर पार्क करने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसका जो है पैसा भी लिया जाता है, 20 रुपया किराया आई थिंक टू व्हीलर। इमरजेंसी भी बगल में है ये सामने के लोकेशन में, जहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, लोग मिनट मिनट में आते हैं दिखाने के लिए, बहुत सारे इलाज होते हैं। और ये जो है आपका जो है मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे ओपीडी के लिए। यहाँ पे इन करने के बाद अभी हम दिखाते हैं, देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, लोगों की जनसंख्या देखिए काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग आए हैं। अभी धूप है लागे, लेकिन लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े स्पेस में है। इधर पूरा पार्किंग स्थल है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं कुछ देर और इलाज फिर करवा सकते हैं। अगर हम सामने की बात करें तो यहाँ पे एटीएम की भी सुविधा है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का ई रुपे कार्ड जो है, इशू काउंटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। और देख सकते हैं अगर हम सामने देखें तो यही हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे। अभी भी देखिए कैसे मरीजें जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यही है मेन गेट जहाँ से आप इन करेंगे। तो अंदर ले चलते आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही आएंगे अंदर तो ये सामने का लोकेशन इमरजेंसी वार्ड के लिए है, जो कि ये इमरजेंसी वार्ड के लिए यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है जहाँ पे आपको दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है। ये जो सामने लोकेशन है दवाइयों के लिए जो है यहाँ पे आपको मिलेगा ये सामने, जैसे ही आप इन करेंगे तो। और इसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जो है फार्मेसी, मतलब दवाइयाँ का और भी दुकानें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग है एम्स हॉस्पिटल के अंदर। जब आप इन करेंगे तो यहाँ भी आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी और यहाँ पे आपका आई थिंक यहाँ पे आपको 90% का छूट मिलता है। यहाँ पे भी दवाइयों का दुकानें ही मिल जाता है। और ये जो है आपका हेल्प डेस्क है पूरी तरीके से, आयुष्मान भारत काउंटर 3, 4, 5, 6 फ्लोर पर शिफ्ट हो गया, तो आयुष्मान भारत से आपका कटवाना है तो 3, 4, 5, 6 नंबर जो है फ्लैट पे आपको जाना पड़ेगा, फ्लोर पे जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे सामने। जैसे ही आप इन करते हैं आप यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड से आधारित पंजीकरण काउंटर जो है सामने के लोकेशन में आपको मिल जाता है। आईपीडी काउंटर भर्ती डिस्चार्ज चौथी मंथ आपका पंजीकरण देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा, जो कि जब कभी भी आप जो आते हैं C5 में, रूम नंबर C5 लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन जो है C5, मतलब यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप बुजुर्ग है तो अलग लाइन में, गर्भवती महिला है तो अलग लाइन में आपको लगना पड़ेगा। अलग अलग काउंटर बनाया गया, 3 से 4 काउंटर है, जो कि ये एम्स में जैसे आप इन करेंगे तो ये आपको मिलेगा। इधर इमरजेंसी वार्ड के लिए है, तो क्या क्या मिलेगा आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पे आपको लिफ्ट की सुविधा मिल जाती है, जो कि लिफ्ट से आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जा सकते हैं। ये लिफ्ट लगा हुआ है जो कि अलग अलग जो है यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। मरीजों मिलने का समय संध्या 5 बजे से 4 बजे तक है, विजिटिंग आवर्स देख सकते हैं। अगर आप मरीज से मिलने के लिए आ रहे हैं तो 4 बजे से 6 बजे तक आ सकते हैं उधर जो है। और दूसरा है इधर जो है OPD तल्ला 1, OPD लेवल 1 जो है इधर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्पताल प्रशासन, सामान्य प्रशासन, और आपको यहाँ पे OPD पे आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि ये भी ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल जाता है। और ये पूरा बैठने का सुविधा है, जगह जगह पे डस्टबिन लगाया गया। और न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी PAC के लिए C6 में आपको दिखाना, C6 जो कि ग्राउंड फ्लोर में ही आपको मिल जाता है। जलपान कैंटीन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आपको आना है, कैंटीन की व्यवस्था यहाँ पे है जलपान के लिए। और चिकित्सालय जो है आगे की ओर है, तो यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पे देखिए कुछ दुकानें हैं, ज़्यादातर दुकानें नहीं है, लेकिन एम्स में आपको इतना सारा ऋषिकेश का एम्स में मिल जाएगा दुकान है, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग काउंटर बना के जो भोजन है वो दिया जाता है, जो कि आपको पैसे से पे करके लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ पे भी व्यवस्था अच्छी खासी है, जहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना पीना खा सकते हैं, और बहुत सारे लोग खा भी रहे हैं। तो ये कैंटीन आपको मिल जाएगा यहीं पे। अगर हम और अंदर जान के आपको दिखाएं, फर्स्ट फ्लोर ले चलते हैं आपको, और वहाँ पे दिखाते क्या क्या चीज़ें हैं मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जनरल मेडिसिन, और साथ साथ में यहाँ पे जनरल सर्जरी, एलाइड बर्न, इलास्टिक सेक्स, ENT, उसके बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर विजिट करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग जो है बना हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, साथ साथ में लिखा भी गया है, देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा के। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप यहाँ पे आके और फिर दिखा सकते हैं, जो भी आपको जिस जगह पे जाना है, जिस रूम पे जाना है, जिस जगह पे आपको दिखाना है। बाल रोग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में आना पड़ेगा, और साथ साथ में प्रेगनेंसी के लिए भी फर्स्ट फ्लोर में आना पड़ेगा। अगर मैं आते हैं तो फोर्थ फ्लोर में आप देख सकते हैं बाल चिकित्सा, बाल रोग विशेषज्ञ, या फिर वार्ड जनरल मेडिसिन, ये सारा चीज़ आपको ना यहीं पे मिलता है फोर्थ फ्लोर में। मेडिकल आईसीयू भी यहीं पे है, ये देख सकते हैं डिपार्टमेंटली आ चुके हैं फिफ्थ फ्लोर, जो कि फिफ्थ फ्लोर में आपको मिलता है यहाँ पे वार्ड, और फिर यहाँ पे CCU, CTBS, और इसके साथ साथ में ENT जनरल सर्जरी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको मिलता है। ये पांचवा तला है, सिक्स फ्लोर ऊपर है, तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध मिल जाती है। उस साइड पे अगर आप देखें तो ICU वगैरह है, वार्ड वगैरह है, तो उधर आप जा सकते हैं। OPD यहाँ पे भी होता है, पीने का पानी, निकासी, ये सारा चीज़ है, उधर भी आप जा सकते हैं, उस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में भी जा सकते हैं। फ्लोर में आपको प्लास्टिक सर्जरी के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे ऊपर है, OMFF वार्ड जो कि उसे कहते हैं, सबसे ऊपर में है। उसके बाद PMR वार्ड जो है वो फिफ्थ फ्लोर में मिल जाएगा। अलग अलग ये फ्लोर हैं, आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ये पूरा देखें तो ये पूरा बिल्डिंग जो है एम्स का ही बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में है, उधर भी आपका बहुत बड़े क्षेत्र में है। और वार्ड में देखिए वहाँ पे अंदर जाएंगे ना, तो ये सामान वगैरह वहाँ पे रखने की भी साथ में सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा देर तक इलाज कराना है तो यहाँ पे आपको रखा जाएगा, रूम दिया जाएगा अलॉटमेंट करके, और कुछ पैसे उसके देने पड़ते हैं सरकारी जो है, बाकी आपको यहाँ पे इलाज किया जाएगा निरंतर। तो इसके अंदर जो है जाने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, जब 4 बजे से 6 बजे के टाइम है मरीज से मिलने का टाइमिंग, उसी टाइम में आपको दिया जाएगा। मरीज जब आते हैं तो उनका सामान वगैरह रखने के लिए ये बाहर स्पेस है, जहाँ पे सामान रख सकते हैं, और ये सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब आपका देखना हो, किसी से इलाज करवाना हो या मिलना हो, तो ऐसे आप मिल सकते हैं। तो ये है, ये देख सकते हैं ट्रामा सेंटर के लिए सामने का लोकेशन में बिल्डिंग है, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे भी इलाज वगैरह करवा सकते हैं। और ये एम्स का मेन बिल्डिंग था OPD का, जो मैंने आपको दिखाया अंदर का था पूरा टूर दोस्तों एम्स हॉस्पिटल का, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक है। और सबसे नीचे फ्लोर में जो है वहाँ पे आयुष्मान भारत का अभियान का जो है पंजीकृत, साथ साथ में जो भी OPD का ऑप्शन है वो आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी अलग अलग फ्लोर में अलग अलग तरीके से है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो मैंने आपको दिखाया है। इसके साथ साथ में इस हॉस्पिटल में सबसे खासियत बात है कि सामने ही हेलीपैड है। ये देखिये ये पूरा जो लोकेशन है बड़ा सा, इसमें हेलीपैड का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो आप यहाँ पे उतार सकते हैं, साथ साथ में यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर कुछ यहाँ पे एम्स में होता है और इसी केस में, तो यहाँ से तुरंत दिल्ली, बम्बई या कहीं पे भी जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, पूरा यात्रा कर सकते हैं। जो कि एम्स में बनाया गया हेलीपैड जस्ट बिल्डिंग के सामने ही है, मतलब ये बिल्डिंग और ये आपका हेलीपैड है,
जहाँ पे हेलीपैड में अगर कुछ इमरजेंसी वार्ड होता है तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी लाया जा सकता है मरीजों को। चूंकि उत्तराखंड में एम्स ऐसा जगह है, इन सभी जगह पे अगल बगल जो पहाड़ी इलाका है प्लस में चार धाम यात्रा लोग करते हैं, तो ऐसी घटना कई बार घटती है, तो उसी के लिए बेहतर इलाज के लिए यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया गया और इसी के सामने एम्स भी है। तो जस्ट यहाँ से उतारेगा और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाके इलाज उसका किया जा सकता है। तो यही था इन्फॉर्मेशन एम्स हॉस्पिटल का कि कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीजें हैं। आपको बता दें कि एम्स हॉस्पिटल आने के लिए यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी जो है वो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। अगर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और अगर आप राम झूला लक्ष्मण झूला की बात करें तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। साथ साथ में यहाँ से ISBT बस स्टैंड की बात करें तो वो भी लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा, जो कि यहाँ से ऑटो वाला 10 रुपये आपको लेगा और 10 रुपये में यहाँ से आपको ISBT जो है बस स्टैंड पहुंचा देगा, साथ साथ में रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा। वहां से फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमेशा बसें वहां से चलती रहती हैं और गाड़ियां वगैरह आपको वहां से हमेशा मिल जाएंगी अवेलेबल। और यहां से बाहर निकलिएगा वहां से भी ऑटोज वगैरह जो है लगातार चलती रहती है, जिसके द्वारा आप कभी भी यहां से जाते हैं तो आपको यहां पे गाड़ियां मिल जाती है। और जगह जगह पे अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं एम्स हॉस्पिटल उसी तरीके से यहां पे भी बनाया गया है बहुत ही बड़े लेवल में। और यहां पे एम्स का जो इंस्टीट्यूट भी चलता है, बहुत सारे बच्चे भी यहां पे पढ़ाई करते हैं साथ साथ मेडिकल का। तो ये सारी चीज़ें आप फैसिलिटीज यहां पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। दवाई फ्री है, इलाज फ्री है और यहां पे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हेलीपैड की भी व्यवस्था, चूंकि चार धाम यात्रा यहां पे बगल में है और पूरा ये जो है इलाका पहाड़ी इलाका पड़ता है, तो अगर कोई घटना घट जाती है तो उसकी वजह से जो है हेलीकॉप्टर से उसे तुरंत यहां पे लाया जाता है एम्स में, एम्स ऋषिकेश में, और देन यहां पे दिखा के और फिर उनका इलाज अच्छे तरीके से किया जाता है। इसीलिए यहां पे हेलीपैड भी बनाया गया इसी की सुविधा के लिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जो है अच्छे से इलाज उलाज करा ले। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि यहां पे आपको ना हेलीपैड की जो ऑप्शन मिल जाता है वो बहुत अच्छा मिलता है, कि आप यहां पे आराम से इलाज वगैरह करा के और कंफर्ट होके रह सकते हैं। चूंकि बहुत सारी घटना घटती है, ये इलाका ही है पूरा पहाड़ी वाला, तो कहीं पे पहाड़ गिर गया, कहीं पे कुछ लोग हो गए, तो उसी की वजह से ये जो हेलीपैड बनाया गया सामने के लोकेशन में आप देख सकते हैं यही हेलीपैड है और यहीं पे उतारा जाता है और देन तुरंत यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, OPD ब्लॉक है, वहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये पूरा जानकारी था, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एम्स के बारे में पूरी जानकारी हमने देने का कोशिश किया, पूरा बिल्डिंग हमने आपको दिखाया, 6 से 7 फ्लोर है, 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है। तो इस तरीके से आप पूरा फ्लोर घूम सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। और ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से इनकी है, और इधर गाड़ी वगैरह पार्क करने का 2-व्हीलर 4-व्हीलर और साथ साथ में इमरजेंसी के लिए अलग सा एक केबिन बनाया गया। तुरंत आइए, तुरंत इलाज आपका हो जाएगा। तो भीड़ काफी ज्यादा रहती है, पहले OPD करा लें और नहीं तो फिर 1-2 दिन वेट करके करना पड़ेगा। होटल का सुविधा ऋषिकेश के बाहर में आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप होटल में रुक सकते हैं जैसा आपका बजट है उस तरीके से।